हेलो गाइस, आज ऐसे पांच स्मार्टफोन के बारे में जानने वाले हैं। कमिंग स्मार्टफोन है यानी बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं इंडियन मार्केट में। बताता हूँ गाइस ऐसे पांच स्मार्टफोन के बारे में, जानते हैं गाइस उनके पूरे फ्यूचर के बारे में और आपको कौन सा बाय करना चाहिए स्मार्टफोन में से, वो भी बताता हूँ गाइस। चलो गाइस शुरू करते हैं वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। पहला स्मार्टफोन है गाइस जो की है रियलमी के नार्जो 60X 5G, जिसकी प्राइस रहने वाली है 13,500 रुपए के करीबन। ये लॉन्च होने वाला है गाइस 15 सितंबर 2023 के यानी 2 से 3 दिन में लॉन्च होने वाला है इंडियन मार्केट में। इसमें अपने को डिस्प्ले मिलता है 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और प्रोसेसर परफॉर्मेंस मिलता है अपने MediaTek Dimensity 6100 का प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ आने वाला स्मार्टफोन है। डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल या मैक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है। 8 मेगापिक्सल का अपने को फ्रंट कैमरा मिलने वाला है। उसमें 5000mAh की बैटरी के 33W का सुपर फास्ट चार्जर आने वाला है। अच्छा खासा मोबाइल है ये भी गाइस बजट में, जिसका 15,000 के अंदर जिसका बजट था उनके लिए अच्छा स्मार्ट फोन है। जिनका गाइस 30,000 का बजट है वो दूसरा स्मार्टफोन है Honor 19 5G, जो लॉन्च होने वाला है गाइस 14 सितंबर 2023 को। ये 30,000 के अंदर में आने वाला स्मार्टफोन है। 6.7 इंच का सुपर एनमोल डिस्प्ले देखने को मिलेगा 128 का रिफ्रेश रेट के साथ। जो गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट स्मार्टफोन रहने वाला है। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का प्रोसेसर मिलता है। ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल, जिनके लिए कैमरा भी खासा और परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा तो उनके लिए स्मार्टफोन है गाइस ये। ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिला, अल्ट्रा वाइड कैमरा 12 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरे के साथ आने वाला स्मार्टफोन है गाइस। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आता है। 5000mAh की बैटरी का 66W का सुपर फास्ट चार्जर आने वाला स्मार्ट, अच्छा खासा बजट स्मार्टफोन भी रह सकता है 30,000 के करीब। तीसरे नंबर पे गाइस वो नोकिया ने बहुत दिन के बाद अपना एक नया एंड्रॉइड स्मार्टफोन लॉन्च करा है। हाँ गाइस, वो है नोकिया का G42, जिसकी प्राइस रहने वाली है 12,500 के करीबन। ये अमेजोन पे आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। ये लॉन्च होने वाला है 15 सितंबर को ही। डिस्प्ले मिलता है 6.56 इंच का फुल IPS LCD डिस्प्ले, जो 98 का रिफ्रेश रेट करने वाला है। स्नैपड्रैगन का ही अपने को 480 का प्रोसेसर मिलने वाला है, जो अच्छा खासा प्रोसेसर रहने वाला है 12,500 के अंदर में। ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल सकता है। फ्रंट कैमरा मिलने वाला है आपको 8 मेगापिक्सल का, 5000mAh की बैटरी का, 20W का सुपर फास्ट चार्जर, अच्छा खासा मोबाइल है गाइस ये भी 15,000 के अंदर में आने वाला स्मार्टफोन है। चौथे नंबर पे गाइस वो है वीओ का VT2 Pro 5G, जिसकी प्राइस रहने वाली है 20 से 25,000 में गाइस। इसकी अभी तक के अनाउंस डेट हुई नहीं लॉन्च के, कब लॉन्च होने वाला है मार्केट में, पर सितंबर में ही लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन है गाइस। इसमें अपने 3D कप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 128 के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Dimensity 7000 का प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहने वाला है। 64 मेगापिक्सल का OIS कैमरा देखने को मिलेगा, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है। 4500mAh की बैटरी के साथ आने वाला स्मार्टफोन है गाइस ये। 33W का सुपर फास्ट चार्जर मिल सकता है इसके साथ अपने को। इसकी पूरी डिटेल आई नहीं है गाइस, जो जो डिटेल आई आपको बता दिया गाइस मैंने। आपको जैसे ही इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी तो आपको कुछ जरूर बताऊंगा गाइस। जो वीवो का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करिए, एक अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है 20 से 25,000 के बजट में। पांचवें नंबर पे है गाइस रेडमी का Note 30 Pro Plus 5G रहने वाला है। ये भी जिसका बजट है गाइस 25 से 30,000 के ऊपर का है तो उनके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी अनाउंस डेट इसकी भी नहीं हुई है, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है, सितंबर में लॉन्च होने वाला नहीं है। इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। 6.67 इंच का सुपर एनमोल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। जो गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा स्मार्टफोन आने वाला है 144 का रिफ्रेश रेट के साथ। Dimensity 7000 का प्रोसेसर मिलता है, जो अच्छा खासा गेमिंग के लिए सपोर्ट करने वाला है। 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरे के साथ आने वाला स्मार्टफोन है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000mAh की बैटरी के 67W का सुपर फास्ट चार्जर मिलने वाला है। अच्छा खासा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है गाइस ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। गाइस इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूले। मिलते हैं गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।